वैसे तो सोनिया गांधी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। देश की राजनीति में उनका कद और पद दोनों ऊंचा है। अगर कांग्रेस के बिखरने में उनको दोष दिया जाता है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी तब सोनिया ही थी जिन्होंने अपने माँ बाप का कहना ना मानकर हिंदुस्तान में रही, कांग्रेस को संभाला, ना चाहते हुए भी देश की राजनीति में उतरी और तब तक संभाला जब तक वो बीमार नहीं हुई। सोनिया राजीव कैसे मिले, विदेशी दुल्हनिया, उनकी टूटी फूटी हिंदी, ऐसे कॉलम उनके बारे में कई मिलेंगे। लेकिन एग्जैक्टली सोनिया गांधी कैसी थी, उनका परिवार कैसा है, कहाँ है, क्या करते हैं, ये कम लोगों को ही पता है। हाँ, जब उनकी माँ पाओला माइनो की मौत की खबर आई तो अचानक लोग जानने जरूर लगे। तो चलिए जानते हैं सोनिया गांधी का गांधी बनने से पहले की कहानी और उनके परिवार के भी बारे में। देश की सबसे पुरानी पावरफुल और बड़ी पार्टी कांग्रेस अब धीरे धीरे बिखर रही है, जिसके लिए अक्सर सोनिया गांधी को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन सोनिया गांधी वही महिला है जिन्होंने 20 साल से ज्यादा वक्त तक पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला। टॉप लीडर्स के सपोर्ट से सोनिया गांधी ने दो गठबंधन सरकार बनाने में कामयाबी पाई। दूसरे देश से इंडिया आकर रहना, फिर पति सास की दर्दनाक मौत के बाद यही रहकर पार्टी को संभालना कोई आम बात नहीं थी। सोनिया गांधी जब इंडिया आई थी तब उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर हिंदी के लिए क्लासेस लिए। वो सिर्फ परिवार के लिए उनका प्यार था, लेकिन वही हिंदी उन्हें देश के बड़े बड़े मंचों पर काम आए। राजीव गांधी के प्यार और इंदिरा गांधी के सपोर्ट की वजह से सोनिया इटली से भारत आई थी, वरना शायद ही वो राजनीति में कभी आती। गांधी से पहले वो माइनो थी और उनका सपना आसमान में उड़ने का था, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर उनके लिए कुछ और ही लिखा जा रहा था। 1965 वही साल था जब 21 साल के राजीव गांधी पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे। उसी साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेनॉक्स कुक स्कूल में अंग्रेजी भाषा सीखने इटली से एंटोनियो अल्बिना माइनो यानी सोनिया गांधी आई थी। दोनों के कैंपस अलग थे। सोनिया उबली पत्ता गोभी, आलू ऑमलेट और ब्रेड के साथ टोमेटो सॉस खाकर उग गई थी, इसीलिए वो यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में खाना खाती थी। और यहीं पर सोनिया माइनो की मुलाकात नीली आंखों वाले राजीव गांधी से हुई। सोनिया गांधी की बायोग्राफी द रेड साड़ी में जेवियर मोरो लिखते हैं, राजीव ने उसी दिन तय कर लिया था कि सोनिया ही आगे उनकी जीवन साथी बनेगी। इसके बाद कभी चर्च तो कभी लाउंज, दोनों की मुलाकात होती रही। ऐसे ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वो प्यार ही कौन सा जिसमें अड़चने ना हो। सोनिया राजीव की जिंदगी में इंदिरा शुरुआत से ही अपने बेटी की पसंद से खुश थी, लेकिन सोनिया के परिवार वाले, खासकर की उनके फासिस्ट पिता, इस रिश्ते के खिलाफ थे। इटली के विनेतो शहर के लुसियाना में 9 दिसंबर 1946 को जन्मी सोनिया गांधी एक फासिस्ट की बेटी है। उनके पिता स्टेफनो माइनो का इतिहास इटली की सेना से भी जुड़ा रहा। स्टेफनो ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की जर्मन सेना के साथ रूस में लड़ाई लड़ी थी। वो इटली के राष्ट्रीय फासिवादी पार्टी का भी हिस्सा थे और बेनीतो मुसोलिनी के जबरदस्त समर्थक रहे थे। रूस में लड़ने के दौरान ही स्टेफनो जेल भी गए। हालांकि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो इटली लौटे और 1960 के दशक में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया। माइनो परिवार जिस शहर में रहता था वहां की 95% आबादी रोमन कैथोलिक ईसाई परिवार से आती है। सोनिया और उनका परिवार बाद में ट्यूरिन के और बसानो में बस गया, यही उनकी पढ़ाई हुई। स्कूल के दिनों से ही सोनिया को लैंग्वेज सीखने का शौक था। पढ़ाई में वो ठीक थी, लेकिन उन्हें स्पेनिश, रशियन और फ्रेंच काफी अच्छे से बोलने आती थी। उन्हें रशियन सिखाने वाले उनके डैड स्टेफनो ही थे। सोनिया गांधी के परिवार में पिता स्टेफनो माइनो और माँ पाओला माइनो के अलावा दो और बहनें हैं। सोनिया से छोटी बहन का नाम नादिया है, जबकि उनकी बड़ी बहन का नाम अनुष्का है। जहाँ नादिया की शादी स्पेन के एक डिप्लोमेट के साथ हुई, तो वही सोनिया की बड़ी बहन अनुष्का और उनकी बेटी अरुणा अभी भी इटली में ही रहती है। सोनिया गांधी जहाँ आज भारत की एक नामी पॉलिटिशियन है, वही उनकी माँ पाओला माइनो एक सिंपल हाउसवाइफ थी। हालांकि स्टेफनो के वर्ल्ड वॉर में लड़ने से लेकर उनके कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आने तक तीनों बेटियों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी पाओला पर ही रही, और शायद इसी वजह से सोनिया गांधी ने अपनी मां की तरह जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। बताया जाता है कि सोनिया की मां काफी स्पिरिचुअल भी थी। बताया जाता है कि जुलाई 1965 का दौर था जब पहली बार इंदिरा गांधी को लिखे एक खत में राजीव गांधी ने सोनिया का जिक्र किया था।
जिसके जवाब में इंदिरा ने लंदन आकर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। नवंबर 1965 राजीव गांधी सोनिया के साथ कैम्ब्रिज कॉलेज से इंडियन एम्बेसी के लिए निकले। वहां एक रिसेप्शन पार्टी थी जिसमें इंदिरा गांधी मौजूद थी। इंदिरा से पहली मुलाकात में सोनिया एक सिंपल लड़की की तरह डरी सहमी थी। उन्हें पता था कि जिससे वो मिलने वाली है वो एक देश की प्रधानमंत्री है। उस वक्त सोनिया को ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन इंदिरा जब उनसे मिली तो उनको कंफर्टेबल कराने के लिए फ्रेंच में बातचीत की। सोनिया को इंदिरा की पर्सनालिटी पसंद आई। 12 जनवरी 1968 जब पहली बार सोनिया को उनके डैड ने इंडिया जाने की परमिशन दी, पिता स्टेफनो माइनो और माँ पाउला माइनो अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलान के मालपिंसा एयरपोर्ट पर सोनिया को छोड़ने आए। 6,500 किलोमीटर दूर के सफर पर सोनिया अकेले निकली। रास्ते पर उनके दिमाग में ये चलता रहा कि कहीं एक दूसरे की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो, राजीव बदल गए तो। सोनिया ने रिस्क तो ले लिया था, एक्साइटेड भी थी, लेकिन उन्हें बहुत डर लग रहा था। सोनिया एयरपोर्ट से सफदरगंज रोड वाले राजीव गांधी के घर पहुंची। यहां आकर सोनिया को पता चला कि उन्हें लोग सिर्फ इस वजह से नहीं घूरते क्योंकि वो एक विदेशी कपड़े और भाषा बोलने वाली सुंदर लड़की थी, बल्कि उनका रिश्ता देश के सबसे पॉपुलर गांधी परिवार से जुड़ा था। सोनिया को भारत और राजीव पसंद आ गए। जीवन भर साथ रहने का फैसला करते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। 25 फरवरी को शादी की डेट तय हुई। सोनिया ने अपने घर के लिए खत लिखा, सभी को शादी में आने के लिए कहा, लेकिन सोनिया के पिता स्टेफनो माइनो ने कहा, शादी का सवाल है तो बेहतर होगा कि शादी के बाद बात करें या फिर उसके बाद भी ना करें। साफ ही उन्होंने शादी में नहीं आने की बात कह दी। इटली से शादी में शामिल होने सोनिया की माँ, दोनों बहनें और मामा आए। शादी से पहले अशोका होटल के पियरे गार्डन फैशन शो में सभी पहुंचे थे। सोनिया प्रिंटेड रेशमी साड़ी पहनकर राजीव और संजय के बीच बैठी थी। ये वही जोड़ा था जो नेहरू ने अपने जेल के दिनों में बुना था अपनी बेटी इंदिरा गांधी की शादी के लिए। बताया जाता है कि 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तब पाउला माइनो ने सोनिया से फोन पर बात की और उन्हें भारत छोड़ने और इटली लौटने के लिए कहा था। हालांकि सोनिया ने ये कहते हुए इटली जाने से इनकार कर दिया था कि वो अब खुद को भारतीय ही मानती है और यही रहना चाहती है। 2004 में जब कांग्रेस पार्टी ने भारत में जबरदस्त जीत दर्ज की थी, तब एक इंटरव्यू में ओरबसानो के तत्कालीन मेयर ने कहा था कि सोनिया का परिवार इस मामले पर नहीं बोलना चाहता। उन्होंने बताया था कि राजीव गांधी के साथ हुए घटनाक्रम के बाद से ही माइनो परिवार काफी दुखी था और वो सोनिया की राजनीति को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके अलावा कई और ऐसे मौके भी आए जब मीडिया कर्मियों ने सोनिया गांधी के इटली में रह रहे परिवार से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि ना तो उनकी बहन नादिया और ना ही अनुष्का कभी भी बातचीत के लिए आगे आई। अनुष्का ने और बसानों में ही वॉल्टर विंची से शादी की और उनकी एक बेटी अरुणा है जो कि इटली में ही भारतीय प्रोडक्ट से जुड़ी एक दुकान चलाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।